हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज ममता। आज मैं अपने इस वीडियो में आपको एक होम रेमेडी बताने जा रही हूँ घनी पलकें और घनी आईब्रोज के लिए, जो कि हम सबकी ख्वाहिश होती है और इसको पाना बहुत इजी है, लेकिन हम आलस ना करें तो। इट मीन्स कि आपको ये रेमेडी जो मैं आज बताने वाली हूँ, उसको आप अगर रेगुलरली यूज करेंगे तो विद इन वन मंथ के अंदर आपके जो ये पलके हैं वो बिल्कुल घनी हो जाएंगी और आईब्रोज भी घनी हो जाएंगी। सो इस रेमेडी को जानने से पहले जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है, साथ में बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिए, इससे आप मेरी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देख पाएंगे। सो अगर आपको मेरी वीडियो मिस नहीं करनी तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। एंड साथ में अब मैं आपका और वेस्ट टाइम नहीं करूंगी, जल्दी से मेरी वीडियो देखते हैं। सो फ्रेंड्स, इस रेमेडी के लिए हमें चाहिए होगा एलोवेरा जेल, विटामिन ई के कैप्सूल, एवियन के यूज कर रही हूँ और एलोवेरा जेल में यूज कर रही हूँ पतंजलि का, और हमें चाहिए होगा कैस्टर ऑयल। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगी, 1 टेबल स्पून एलोवेरा जेल ले लूंगी। तो 1 टेबल स्पून मैंने एलोवेरा जेल ले लिया, किसी भी कंटेनर में आप यूज कर सकते हैं। और अब मैं ले लूंगी 2 विटामिन ई की कैप्सूल। विटामिन ए जो है हमारे हेयर ग्रोथ में भी बहुत अच्छा होता है, आईब्रोज की ग्रोथ में और आईलैशेस की ग्रोथ में भी बहुत ही अच्छा होता है। तो विटामिन ई की कैप्सूल मैं ले लूंगी, एक कैप्सूल और मैं ले लूंगी। इस तरीके से, और अब इसके बाद मैं ले लूंगी कैस्टर ऑयल। कैस्टर ऑयल हमें लेना है 1 टेबल स्पून, यानी कि सेम क्वांटिटी में जिस क्वांटिटी में हमने एलोवेरा जेल लिया। तो कैस्टर ऑयल भी हमारी हेयर ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा होता है। सो अब मैंने ये सारे इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स करना है इस तरीके से, और इसका टेक्सचर भी मैं आपको दिखा दूंगी किस तरीके का दिखेगा। कह सकते हैं जिससे आपकी आईलैशेस और आपकी आईब्रोज ग्रोथ होती हैं। ये रेडी है, आप देख सकते हैं इसका एक क्रीमी टेक्सचर आपको दिखेगा। आप चाहे तो इसको मस्कारे की हेल्प से अपने आईलैशेस और आईब्रोज पे अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास मस्कारा नहीं है कोई पुराना, तो आप इसको जो ईयरबड्स आते हैं उसकी हेल्प से भी अपने आईलैशेस पे मसाज कर सकते हैं और आईब्रोज पे भी मसाज कर सकते हैं। कैसा लगा आपको मेरा वीडियो? आई होप आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक एंड शेयर करना मत भूलिए। अगले वीडियो में आपको दोबारा से मिलूंगी कोई नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।